जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम श्रवण करने जा रहे हैं छठ व्रत की कथा, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ व्रत कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महाप्रभ और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की 6ठी तिथि को पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं छठ व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्रिय व्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रोष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठ देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की 6ठी तिथि के दिन छठ माता की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन त्योहार मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छठ व्रत की एक पौराणिक कथा। हे छठ माता, जैसे आपने एक राजा पर कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला।
तो बोलो जय छठ माता की। कथा समाप्त।